नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल है हाफिज सईद क्राइड वाइल सिटिंग जम्मू कश्मीर रिकॉर्ड वोटिंग पाक मीडिया क्राइंग। तो देखिए बात सही है, 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो गए हैं, वोटिंग डाली गई, वोट डाले गए और बड़ा रिकॉर्ड मतदान हुआ। मतलब कहीं कहीं तो 50% से भी ज़्यादा का मतदान हुआ है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए तो ये बुरी खबर है ना। अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं, ज़्यादा इलेक्शंस होते हैं, ज़्यादा टर्नआउट होता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। चले देखते हैं पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाम आपका? अदील कसाना। क्या करते हैं? मैं पेशे से वकील हूँ। जबरदस्त सर, आपका नाम? मेरा नाम नजमुल हसन है। सर क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर। बेसिकली आप दोनों से मेरा बात करने का पर्पस ये है, अभी रिसेंटली इलेक्शन अनाउंस कर दिए, आज पहला दिन था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन अनाउंस करवाने के बाद। अब ये इलेक्शन अगर कामयाब हो जाते हैं, वहाँ पर वोटिंग हो जाती है 80% या 60% से ज्यादा, तो UN भी डिक्लेयर कर देगा इस बात को कि भाई जो कश्मीरी इंडिया के पास है, जो इंडिया के पास, जो हम यहाँ पर ऑक्यूपाइड कहते हैं लेकिन जो कश्मीरी वहाँ पर, वो खुश हैं। ये इस बात से प्रूफ नहीं हो जाएगा कि अगर वो 60% से ज्यादा लोग बाहर आके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो? सवाल नहीं समझा मुजम्मिल भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? UN ने कब कहा है, कहाँ कहा है और क्यों कहेगा कि 60% से ज्यादा वोटिंग हो गई तो ये भारत का पार्ट हो गया? मतलब ये कैसे होगा? कब UN ने स्टेटमेंट दी, कब UN की तरफ से ऐसी बात आई है? मतलब आपकी बातों को कहूं तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है, फिजिबल कैसे? देखिए 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जब उसको ख़त्म किया गया तो सारी दुनिया ने उस वक्त देख लिया था कि कश्मीरी कितने खुश हैं। कश्मीर को पूरी दुनिया से सेपरेट करके, डिसकनेक्ट करके एक जेल बना के रखा गया, और हमेशा से अपने नाजायज़ कब्ज़े को दुआम देने के लिए जो टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए वो 5 अगस्त 2019 से लेके दोबारा उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए। बहुत मुजालम वहाँ पे हुए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने भी देखी। तो वहाँ पे मीडिया की एक्सेस नहीं थी, लेकिन थ्रू इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और हमारी अपनी जो रिपोर्टिंग होती थी पाकिस्तान में और इंटरनेशनल दोस्तों से रबते से पता चलता था कि वहाँ पे क्या हालात है। हमारे अपने दोस्त भी हैं कश्मीर में, कश्मीर से हमारा रिश्ता भी है, हम वहाँ से माइग्रेटेड हैं। कौन सी जगह से? जी हम अखनूर से हैं जी। अच्छा जी, 48 में मेरे जो फादर से वो वहाँ से हिजरत करके आए थे इंडिया कश्मीर से। जी इंडियन कश्मीर तो मैं उसको नहीं कहूँगा, हम तो कश्मीर ही कहेंगे, और वन डे इट विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट शैल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने अगर बात की जाए आज, अगर थोड़े तल्ख सवाल पूछूंगा आपसे, हमने एज अ कश्मीरी कश्मीर के लिए क्या किया, एज अ पाकिस्तानी कश्मीर के लिए क्या किया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा क्या दिया कश्मीरियों को? देखिए हमने कश्मीर के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। आवाज़ उठाने से मैं यहाँ पर बैठ के आवाज़ उठाता रहूँ, उनसे उनको तो प्रैक्टिकली कोई चीज़ चाहिए ना सर? जी उसके लिए देखिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो रेलिवेंट फोरम्स होते हैं इंटरनेशनल, वहाँ पे हमेशा आवाज़ उठाई है। आप UN की जनरल असम्बली को ले लें, आप दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स को ले लें, उसके लिए तहरीकें चली, मूवमेंट्स बनी, और हमने वहाँ के जो हुर्रियत पसंद लोग हैं उनको हमेशा सपोर्ट किया। हमारे दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और हम हमेशा उनकी जो राय है उसका एहतराम करते हैं, और हमारा जो पाकिस्तान का या पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है वो बड़ा सादा सा है। क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा है इस्तेस्वाबे राय, रेफरेंडम करवाएं आप वहाँ पे और लोगों की राय जाने। सर रेफरेंडम के लिए तो ये है कि ना UN ने जो रेजोल्यूशंस पेश की थी उसका हम पालन करें, उसको हम माने। पहले रेजोल्यूशन ही हमने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने UN ने कहा कि भाई पाकिस्तान अपनी फौज खाली करे, इंडिया अपनी फौज को कम कर दे कश्मीर को, हमने वो ही नहीं माने। रेफरेंडम तो तब हो ना जब 71 में तो हमने ये मामला ही सॉर्ट आउट कर दिया, एक तरह से इंडिया को दे ही दिया कश्मीर के 71 में जब हमारी फौजी उनके पास थे, तो हमने कहा कि भाई कश्मीर का मसला जो वो इंडिया पाकिस्तान का तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। ये वाली बात पता ही नहीं आधे पाकिस्तानी को, 71 का जो शिमला मुआहदा है वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान को पता ही नहीं है, इस बारे में क्यों नहीं आगाही दी जाती हमें? आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। देखिए ये एक बात थोड़ी दुरुस्त भी होती है, कुछ कॉन्स्पिरेसी भी होती है जी,
बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री पाकिस्तान, हमने कभी नहीं चाहा कि कश्मीर जो है उससे उसके आज़ादी राय का जो हक है वो छीन लिया जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने किसी मरहले पे कंप्रोमाइज़ किया है मसलहत के तहत, मसलहत का शिकार हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीरी जो चाहते हैं उसका जो है वो गला दबा दिया जाए। पाकिस्तान और इंडिया जो है, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो कश्मीर का फैसला नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे रेफरेंडम होगा तभी पता चलेगा कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे आर्टिकल 370 को स्क्रैप करते हैं, 130A को स्क्रैप करते हैं। अभी एक सवाल पूछूंगा आपसे, कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। अभी अभी रुकिए जरा, वकील साहब को मैं कानून का ज्ञान जरा दुरुस्त करता चलूं। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया वकील साहब, जो मुजम्मिल भाई ने वैलिड क्वेश्चंस उठाए कि आप कहते हैं राय शुमारी की बात, आप करते हैं रेफरेंडम की बात, तो आपने रेफरेंडम कराने की बात कही है, लेकिन रेफरेंडम कराने की जो पहली शर्त है, दूसरी शर्त है, उसके बाद तीसरी शर्त है रेफरेंडम की, तो पहली और दूसरी शर्त पर तो आपने बात ही नहीं की, आपने जवाब ही नहीं दिया, आप हंस कर रह गए। अगर मैं यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलूं, आप अगर कहते हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए, यूएन में हम आवाज उठाते हैं, तो भाई यूएन ने अगर कोई नियम बनाया है तो उस नियम के तहत होगी ना रायशुमारी। तो पाकिस्तान ने तो रेफरेंडम का पहली ही शर्त मानने से इनकार कर दिया, बाकी दूसरी तीसरी पे तो बात है, तीसरी शर्त है उसके रेफरेंडम, जब पहली पूरी होगी दूसरी पूरी होगी तब तीसरी पूरी होगी। जब पहली शर्त पाकिस्तान मानेगा कि सारी फौज और सारी जो नॉन कश्मीरी है सबको हटा लेगा पाकिस्तानियों के पास जम्मू कश्मीर से, तब दूसरी शर्त मानने के लिए भारत बाध्य होगा, जहां पे वो अपनी फौज कम करेगा, हटाएगा नहीं। और फिर आता है जब ये दोनों शर्तें मान ली जाएंगी यूएन की, तब आएगी तीसरी बात कि हां जी अब रेफरेंडम कराते हैं यूएन के जो ऑब्जर्वर होंगे उनके अंडर में। तो भाई आपने पहली बात मानी ही नहीं वकील साहब, किसी भी जज के सामने जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जरा शांति से सोचिए कि अगर कोर्ट ने तीन शर्तें रखी हैं और आप सीधे कहते हो कि नहीं तीसरी बात मानी जाएगी, पहली और दूसरी बात नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि तीसरी बात तब मानी जाएगी जब पहले की उसके ऊपर की दोनों बातें मान ली जाएंगी, तब तीसरा काम होगा, यानी कि प्लेबिसाइट होगा। आप वकीलों के भी ऐसी बच्चों वाली बातें करते हैं यार, आपके वकालत की डिग्री पर शक हो रहा है मुझे। कैसे आप जज के सामने खड़े होते होंगे, क्या जज के सामने बिना सबूत के बिना किसी के ऐसे ही खड़े हो जाते होंगे क्या, या अपनी दलीलों को सपोर्ट करने के लिए उसके सबूत देते होंगे या नहीं देते होंगे। दिक्कत यह है कि पाकिस्तानियों के साथ यही लफड़ा है। अभी मौजूदा सिनेरियोस में आप देख रहे हैं मुल्क से हर रोज तकरीबन 10,000 से 20,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाह रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर कश्मीरियों को हम ये मौका दे दें कि भाई आप पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, क्या हमारे पास जो कश्मीरी है आप हलफन ये बात कीजिएगा कि जो कि हमारे पास जो कश्मीरी है क्या वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, या वो हमारे पास आएंगे वो कश्मीर को वो फैसिलिटी जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है वो सारी छोड़ के? अल्लाह तक ना तो रहमत, अल्लाह की जो रहमत है उससे मायूस नहीं होते। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 20-25 हज़ार के जाने से मुल्क का में फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपके सामने एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि बात आपने ऐसी की है तो मुझे सवाल ज़ाती महसूस हुआ है। मैंने यूरोप देखा है, मेरे पास चांस था वहाँ रहने का, मैंने पाकिस्तान चूज़ किया, मैं यहाँ पे लॉ प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने वकालत चूज़ की है, पेशे के अतबार से मुश्किल पेशा है। तो हम तो जो मेजॉरिटी है वो अपने मुल्क से प्यार करते, जो किसी मजबूरी में वहाँ चले गए हैं, आप भी इंटरनेट से और व्लॉग्स बना रहे हैं, देख रहे हैं आप भी, आप ज़रा देखें जो लोग वहाँ पे सेटल हैं, आपने कभी उनकी आवाज़ सुनी हो कश्मीरियों की, चाहे वो कश्मीरी है चाहे पाकिस्तानी, वो अपने मुल्क जाने के लिए अपनी मिट्टी में वापस आने के लिए तड़प रहा है। पाकिस्तान की तरह बाहर के कंट्रीज में जहाँ भी आप पाकिस्तानी को मिलें आप उससे पूछेंगे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सर वो दुनिया का कोई भी मुल्क का कोई भी बंदा हो जो किसी मिट्टी से पैदा हुआ, फॉर एग्जांपल इंडियन हो, कश्मीरी हो, चाहे वो बंगाली हो, कोई भी हो, जिस मिट्टी में पैदा होता है उस मिट्टी के लिए उसके दिल में अलग से मोहब्बत होती है। सर ये तो नेचुरल है, ये तो पैदा होते साथ ही वो तो आ जाती है मिट्टी के लिए। वकील साहब जरा अपने स्टैट्स आप दुरुस्त करिए, कौन सा पाकिस्तानी वापस आना चाहता है जरा बताएंगे? कितने पाकिस्तानी वापस आ गए जिनका दिल दुखता है पाकिस्तान आने के लिए? पाकिस्तान आना कौन चाहता है? पाकिस्तान इज अ सिंकिंग शिप, डूबते हुए जहाज पर कौन सवार होना चाहता है? आप ये बताइए, आपके जो फॉर्मर एनएसए थे
क्या नाम था, पीर मोइजाद क्या नाम था, जो भी था, उनके पास डुअल नेशनलिटी थी कि नहीं थी, डुअल सिटीजनशिप थी कि नहीं थी, उनके पास दोहरी नागरिकता थी कि नहीं थी। अगर पाकिस्तान से उन्हें इतनी ही मोहब्बत थी, पाकिस्तान से उन्हें इतना ही प्यार था, तो दोहरी नागरिकता लेकर क्यों जी रहे हैं? और मैं ऐसे हजारों पाकिस्तानियों को जानता हूं जो पावर इलीट में हैं। आप तो वकील हैं और दूसरे देश में आप इसलिए नहीं, क्योंकि आपने जो वकालत की पढ़ाई की है वो वकालत दूसरे देशों में चली ही नहीं, क्योंकि आप यहीं पर, मैं तो वकील भी नहीं हूं और मेरे सामने आपके दलील काम नहीं कर रहे। आपके यहाँ के हजारों ऐसे मैं पॉलिटिकल लीडर्स को और बाकी लोगों को जानता हूं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। अगर इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही वापस आना है, तो दोहरी नागरिकता लेकर क्यों घूम रहे हैं आप? एक भी इंडियन जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके आप डुअल सिटीजनशिप दिखा दो, नहीं। क्योंकि हमारे यहां रूल है कि अगर आपके पास दोहरी नागरिकता है, आप कोई बड़ा पद नहीं ले सकते संवैधानिक स्ट्रक्चर में हमारे, आप क्या नहीं। ये गोली मत दीजिए कि पाकिस्तानियों का बड़ा प्यार है पाकिस्तान से और वो रो रहे हैं, दिल दुखता है। घंटा किसी का दिल नहीं दुखता, सब भागने की तैयारी में है और जो वहां पर हैं वो शुक्र मनाते हैं कि चलो भाग आए, पाकिस्तान से बचकर निकल आए। क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, इसके सपोर्ट में कोई सबूत तो दीजिए। लेकिन हमारा मसला थोड़ा अलग है। अच्छा, हमारे लोगों की इंटीग्रेशन नहीं है भाई वहाँ पे। हमारी कोई इंटीग्रेशन नहीं है। अच्छा, हमने हमेशा यही चाहा कि जब हमारे पास वसाइल हो, हमें मौका मिले, हम पाकिस्तान चले जाए। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, प्रैक्टिकल लॉजिक मैं आपको पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन प्रॉपर्टीज में ओवरसीज पाकिस्तानीज की है। अगर वो उन ममालिक से मोहब्बत करते हैं, वो अपने पैसे वहाँ रखें, अपने घर वहाँ बनाए, कीमती चीज़ें वहाँ रखें। हाँ। सर, घरों को ताले जरूर लगे हुए हैं, मजबूरी में रह नहीं सकते, घर यहाँ बनाया, प्लॉट यहाँ बनाया, खराब है ना, गाड़ी यहाँ रखी हुई है, ठीक है जी, लेकिन उनकी कोई मजबूरी है वो इन इन मामला जितने खराब हो रहे हैं, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि नॉर्मल आदमी का सर्वाइवल है? एक बंदा 30 से 35 हज़ार रुपए कमाता है। अभी अगर मुल्क की, हमारे मुल्क की बात करें, तो हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत की रेशियो जो 35% से ज्यादा लोग हैं, अगर उन 45% है, तो 45% लोग जो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, तो उन लोगों के लिए 35,000-40,000 सर्वाइव नहीं ना होता। वो बाहर जा रहे हैं, तो अगर वो देखते हैं मुल्क के अंदर, वो कमाने के लिए जाते हैं कि यार मेरी बीवी बच्चे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दे दूँ, घर के मोटर ठीक करवा लूँ या बिजली का बिल दे सकूँ, तो इसलिए तो वो बाहर जा रहे हैं ना। अगर उनको यही सर्वाइवल, यही चीजें अपने मुल्क में मिले, तो कोई छोड़ के जाता? आप अगर किसी गोरे से इंटरव्यू करें कभी, तो उसका सबसे बड़ा मसला उसके घर का रेंट होगा, यूटिलिटी बिल्स होंगे। अगर आप रिसेशन की, जैसे पाकिस्तान में रिसेशन है कोरोना के बाद, अगर आप रिसेशन के वक्त किससे बात करें, इंग्लैंड की मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बीबीसी पे कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला वहाँ के लोगों के लिए हीटिंग का बिल देना था। वो कहते जी 900-700 पाउंड या 900 पाउंड पेंशन मिलती है, 700 पाउंड जो है वो हीटिंग में निकल जाता है, अब 200 पाउंड बचे हैं, इसमें क्या करें? तो ये हालात जो थे कोरोना के बाद तकरीबन हर मुल्क में पैदा हुए, हमारे यहाँ भी हैं। टफ है जी, पैसे अगर जेब में ना हो तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। जब आप घर वापस जाते हैं, तो आपके बच्चे जो हैं वो आपकी तरफ देखते हैं। यहाँ तक मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि रोटी के लाले हमें पड़े हुए हैं। वकील साहब, फिर से आपको अपना ज्ञान दुरुस्त करना है, डेटा चेक करना है, फैक्ट चेक करना है। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। डेटा मैं दिखाता हूं, स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है? ये डेटा ध्यान से पढ़िए, ये है पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम, $1,500-1,600 पर एनम। और अगर इसकी तुलना हम ब्रिटेन में करें, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में और इधर उधर, वहां पर ये देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है? आप एक भिखारी मुल्क की तुलना एक ऐसे देश से कैसे कर सकते हैं जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है? ब्रिटेन को अभी हमने पीछे छोड़ा है, शायद छठी हो गई है, 5वीं तो हम हैं। तो जब आप ये कंपेयर करते हैं, तो इस बात की कंपेयर करें ना सर, कि पर कैपिटा इनकम एक पाकिस्तानी की कितनी है और एक ब्रिटिश नागरिक की कितनी है? जमीन आसमान का फर्क है सर, क्या बात करते हैं आप।
जैसे आपकी व्यवस्था चरमराई है, जैसे आपको कर्जा लेना पड़ रहा है आईएमएफ से, क्या ब्रिटेन वैसे कर्जा लेकर काम चला रहा है क्या? क्या वो अपने लोगों की सैलरी कर्जे पर दे रहा है, आईएमएफ से लोन लेकर, एडीबी से लोन लेकर? आप दे रहे हो और आप कंपेयर कर रहे हो ब्रिटेन में आने वाली प्रॉब्लम से, और ये खर्चे हैं और वो खर्चे हैं। कोई नहीं आना चाहता भाई साहब पाकिस्तान। मैं आपको एक लेडी की बात सुनवाता हूं, उनके एक रिलेटिव बेचारे बहुत पैसा कमाया उन्होंने और वापस पाकिस्तान आए, उनके साथ क्या हुआ पाकिस्तान में जरा सुन लीजिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत दफा ये सुनने को बहुत मिलता है कि अगर इतना ही तंग हो तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते, पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया अपने हस्बैंड के साथ कि हम ना पाकिस्तान चलते हैं। मैंने कहा आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती तो हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ना मैं रात को यूज कर रही थी फेसबुक, वहां पे एक ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट है डॉक्टर दुरानी, तो मैंने उसकी पोस्ट देखी। उन्होंने अपना एक वाकया सुनाया कि उनके जो थे चचा, तो उन्होंने अपने घर वालों को बगैर बताए वो जी पाकिस्तान की उन्होंने टिकट्स ली और वो जाने के लिए रेडी हो गए और वो पाकिस्तान आ भी गए। जॉर्डन की तो करेंसी बड़ी स्ट्रांग थी तो अच्छी खासी सेविंग थी, उन लोगों ने बिजनेस शुरू किए, काफी बिजनेस किया, लेकिन हर बिजनेस में उनको पड़ी मार क्योंकि वो इतने होशियार नहीं थे। उनका ब्रॉटअप ही बाहर के मुल्क में हुआ था, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तानियों ने उनको कौन सी पाकिस्तानियत दिखानी है, और उनके साथ ऐसे ऐसे हैंड हुए कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो के उनके सारे बिजनेस डूब गए। और अब आजकल उनके साथ क्या होता है कि लोगों के घर पे वो रात के 1 बजे बिजली ठीक करने जाते हैं ना, तो लोग उनको या तो 50 रुपए हाथ में पकड़ा देते हैं या अस्सलाम वालेकुम कह के उनको टाल देते हैं। तो इस तरह हुआ उनके साथ। ये जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा फिर एक धचका लगा और मैंने कहा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है माशाल्लाह, वो तो इतनी ज़्यादा सेविंग्स लेके आया होगा, हमारे पास तो इतनी सेविंग भी नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड कोई बहुत समझदार भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी उम्र के भी नहीं है कि हम कोई इस तरह के डिसीजन ले। तब मैंने सोच लिया और मैंने फिर अपने हस्बैंड को ये स्टोरी सुनाई और मैंने उनको कहा कि नहीं, अब हमने पाकिस्तान नहीं जाना। अब इसके बाद वकील साहब आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों का दिल दुखता है। अरे कुछ ऐसी बात, फिर आप लोगों की आदत है ना हवा हवाई बात करने की। आप वकील हैं, दलील रेफरेंस और सबूत के साथ बात कीजिए। मैं तो हवा हवाई बातें कर दूंगा कि जी मैं तो लाहौर का ही रहने वाला हूं, जैसे आपने बोला कि मैं अखनूर का रहने वाला हूं, मैं लाहौर का ही रहने वाला हूं और लाहौर में मैं जानता हूं चीजें क्या होती हैं, और लाहौर के लोग जो हैं वो रहना नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, बड़ी दिक्कत है जी। तो मुझे इसे साबित करने के लिए बताना पड़ेगा ना कि मैं लाहौर का रहने वाला हूं। आपने बोल दिया और हमने मान लिया कि आप कश्मीर के रहने वाले, अखनूर के रहने वाले है कि नहीं? हालात कोई बेहतर नहीं है कि कोई मदासराई की जाए, कोई बात की जाए कि शायद हमारे पास कोई एटॉमिक बम है, हम सुपर पावर हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मायूस होकर मुल्क छोड़ दें। बिल्कुल सही होगा। मैं बेहतरीन हाल है सर की तरफ जाना चाहूंगा, यही सेम क्वेश्चन सर को सर के साथ भी करूंगा कि सर इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया के, नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया को बताने जा रहे हैं कि भाई कश्मीरी जो हमारे साथ खुश हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं इलहा करना चाहते या वो अलादगी भी नहीं चाहते। 370 के आर्टिकल के बाद उन्होंने तो दुनिया को ये बता दिया कि कश्मीर हमारा पार्ट है। तो हमने एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, कश्मीर को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा दिया तो दिया क्या है? अच्छा इसका जवाब सुनूं, मैं मुजम्मिल भाई आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये क्यों लगता है कि 370 हटाने के बाद भारत ने दुनिया को दिखाया है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है? सर जी वो 370 किसके आईन का हिस्सा था, किसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था? 370 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ना, इट मींस कि भारत का संविधान उसके ऊपर तब से लागू है जब से वो हमारे साथ शामिल हुआ है 1947-48 से, जब महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत कर दिए हमारे भारत के साथ विलय के लिए, उस दिन से वो भारत का हिस्सा है। वहां पर तब से भारत का संविधान लागू था और भारत के संविधान के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था उस स्टेट को, भारत के संविधान के मुताबिक, ना कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक, ना किसी इंटरनेशनल कानून के तहत, भारत के संविधान के मुताबिक, भारत के आईन के मुताबिक। तो हमने 370 लगाया था, हमने 370 हटा लिया। जम्मू कश्मीर तो उसी दिन दुनिया को हमने बता दिया भारत का हिस्सा है जिस दिन वहां पर भारत का संविधान लागू हुआ था, जिस दिन इंडियन डोमिनियन में वो शामिल हुआ,
जम्मू कश्मीर, उसके महाराजा ने विलय किया, दैट्स इट, खत्म। उस दिन से भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, 370 हटाने से और करने से नहीं है। ये बात मुझ जैसे किसी कश्मीरी से पूछे जी सर, कि जिनके बावजूद ने अपनी जवान बेटियों, बूढ़ी माएं की इस्मत लूटते बुजुर्गों ने देखी, वहां छोड़ के आए। आप इलेक्शन की बात करते हैं ना, वहाँ पिछले 5-6 साल से प्रीप और रिगिंग मोदी कर रहा है। वहाँ पहले ये कानून था कि जो कश्मीरी महाजर है, कश्मीर का रहने वाला है, वो कोई प्रॉपर्टी उसके अलावा नहीं खरीद सकता। उसने पूरी इंडिया में से लोगों को ये राइट्स दे के उनकी प्रॉपर्टी वहाँ खरीदी गई, बाद हजाम वहाँ वोट उनके बने और प्रीप और रिगिंग की वजह से वो जो है ना कारो सारी दुनिया ने देखा है और सारे लोकल इंटरनेशनल तमाम मीडियाज ने ये रिपोर्ट देखी। रिगिंग क्या होती है ये आप कह रहे हैं? अबे शर्म कर लो चचा, शर्म करो। अभी इमरान खान के साथ कौन सी रिगिंग की गई है ये दुनिया ने नहीं देखा है? पूरी दुनिया ने सवाल उठाया आपके ऊपर, आपके होने वाले हुए इलेक्शन के ऊपर, और आपको भी ये पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए कि क्या इमरान खान के जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया नहीं गया? क्या वोटों में गड़बड़ियां नहीं की गई हैं? पूरा पाकिस्तान कुरान पर हाथ रखकर बताना, रिगिंग उसको कहते हैं। और आप कह रहे हैं रिगिंग, आप एक हमारे ऊपर कोई ऑब्जर्वर का बयान दिलवा दो कि जम्मू कश्मीर में रिगिंग हुई है इलेक्शंस में, प्री पोल रिगिंग हुई है। अबे तुम लोगों की इसी वजह से तुम लोगों की ऐसी हालत है, कश्मीर गया कब का तुम्हारे हाथ से? रोते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। G20 की मीटिंग कराई हम, पूरी दुनिया आकर उसने देखा है, पूरी दुनिया की मीडिया थी वहां पर। आपको आप आपको जो बोलना है बोलो। अदालतें, इंटरनेशनल संस्थाएं, यूनाइटेड नेशंस सबूत मांगते हैं, सबूत हमारे पास है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं, हम डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, हम नौकरियां दिखा रहे हैं। अकेला मैं चैलेंज करता हूं वकील साहब आपको भी, जिस लेवल की एजुकेशन जम्मू कश्मीर में है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जिस लेवल का एजुकेशन का इंफ्रा जम्मू कश्मीर में पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जिस लेवल के सड़कें हैं, जिस लेवल का बिजली है, जिस लेवल का गैस है, लोगों को रोजगार है, सहूलियतें हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। तो दिखा दीजिए, दावा करता हूं मैं और आपको चैलेंज भी करता हूं और पाकिस्तान के सारे वकीलों को चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाइए। तो सर आप ये बात कर रहे हैं तो यहाँ वहां पर अगर इलेक्शंस की बात करें तो जिस तरह से लोग बाहर निकल निकल कर इलेक्शन वोटिंग कर रहे हैं, तकरीबन 60% तो आज के दिन के अंदर वोटिंग होगी। अगर फॉर एग्जांपल के वोटिंग अगर हो जाती है, 100% लोग बाहर निकल कर कश्मीरी वोट करते हैं मोदी के हक में या इंडिया के हक में, किसी भी जो वहां पर पार्टी से उनको सिलेक्शन कर लेते हैं, तो यूएन के अंदर तो ये बात सबूत, ये तो बात प्रूफ हो जाएगी कि जो कश्मीरी है वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, और हम क्या करेंगे फिर? अब यूएनओ की बात कर यार, आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हैं यार, मुझे ये बात समझ नहीं आती। कसम से ये मतलब शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है, क्या पहली बार इलेक्शन हो रहा है क्या जम्मू कश्मीर में? इलेक्शंस पहली बार हो रहे हैं क्या? इलेक्शंस जमाने से हो रहे हैं, 1950-51 से इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां के लोग वोट देते हैं। हाँ पहले वोटिंग परसेंटेज कम थी, अब धीरे 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 वोटिंग परसेंटेज बढ़ती गई, हर बार जब इलेक्शन होता है तो पिछली बार से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई, धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, आज 60% के अराउंड हो गई है। ये फर्स्ट टाइम इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं पाकिस्तानियों, चूरन से बचो, जाकर चेक करो, ये पूरा डेटा मैंने दिया है स्क्रीनशॉट पर, देखो इसे, कब कब इलेक्शन हुए हैं, कब कब जनता ने वोट दिया है, कब कौन सीएम बना है वहां पर, वोटिंग से हुई ये चीजें। बस 2019 में इलेक्शन होना था वो नहीं हुआ, अब 2024 में हो रहा है। 2019 से पहले सारे इलेक्शन हुए हैं, 2019 के बाद ये 2024 का इलेक्शन हो रहा है। सिर्फ ये एक इलेक्शन बचा है 2019 में जो नहीं हुआ। कैसी बातें करते हो यार आप लोग, पता ही नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं है यार आप लोगों को। की बात कर रहे हैं आप, लाला की बात क्यों नहीं करते? हमारा और उनका जो रिश्ता है, आप यहाँ जो अपने मजहबी फराइज सारे अंजाम दे सकते हैं उन लोगों को पूछेंगे जिनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती,
उन लोगों को पूछे जिनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। सर क्या ये बात सऊदीया को नजर नहीं आती, ये बात मिडिल ईस्ट को नजर नहीं आती, ये बात दूसरी मुस्लिम उम्मा को नजर नहीं आती? हम सारे पाकिस्तानियों का एक और चैलेंज है, साबित कर दो। और आपको भी कुर्ते वाले चचा, आपको भी चैलेंज है, जरा भी गैरत बची हो, इस्लाम पर यकीन हो, कुरान पर यकीन हो, कुरान पर हाथ रखकर कहना कि जम्मू कश्मीर में लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, कुरान पर हाथ रखकर सामने वीडियो बनाना कि कुरान पर हाथ रखकर कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, जम्मू कश्मीर में लोग मस्जिद में नहीं जाते। मैं हर उस पाकिस्तानी को यह चैलेंज देता हूं कि कश्मीर के बारे में अगर आपकी यह राय है, आप कुरान पर हाथ रखकर यह बात कह दो कि जम्मू कश्मीर में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती मुसलमानों को, और उनके इस्लामिक नजरिए के हिसाब से उनको इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता। है हिम्मत, है हिम्मत और सच्चे मुसलमान हो तो कुरान हाथ पर रखकर वीडियो बनाकर भेजो कि हां मैं कहता हूं, और फिर मैं उसका सबूत दूंगा, और फिर तुम पर ब्लास्फेमी का आरोप लगवाऊंगा कि तुमने कुरान की बेगुरमती की है, कुरान पर हाथ रखकर तुमने झूठ बोला है। मैं जानता हूं कोई नहीं करेगा ऐसा, सब पता है कि सब फंसेंगे झूठ बोलने में, सब फंसेंगे। हमें फलस्तीन नजर नहीं आता, अगर मुसलमान को दर्द इतना हमारे अंदर है तो हमने मुसलमानों को क्यों नहीं इधर शिफ्ट करते, लैंड को रहने देते हैं? आपको शायद अंदाजा होगा कि उम्मे मुसलमा जो जिसको सऊदी अरब कहते हैं उनका 129वां नंबर है इसमें, मुसलमानी में 129 नंबर पे, मतलब फॉलोइंग में, फॉलोइंग प्रैक्टिकल में 129 नंबर है उनका, और जो उनका पहला होना चाहिए था तुर्क का दूसरा होना चाहिए था। अच्छा, मतलब हमारे हमारे नजर में वो अच्छे मुसलमान नहीं है? नहीं, मेरी नजर, वो हमारी नजर में अच्छे मुसलमान, दुनिया की नजर में वो अच्छे मुसलमान नहीं है। मतलब अच्छे मुसलमान होने की क्या कैटेगरीज है? अच्छे मुसलमान जो सऊदी अरब में अब जो नया लॉ सेट हुआ है वहाँ सलमान खान बन गया, जिन गलियों में मेरे नबी के पांव मुबारक लगे हुए थे वहाँ नंगे डांस हो रहे हैं, कौन सा कल्चर है जो यूरोप का वहाँ अडॉप्ट हुआ, नए शहर बन रहे हैं, सलमा घर बन गए हैं, डांस फ्लोर बन गए हैं। बिल्कुल सही सर, यही सेम क्वेश्चन। गजब बेवकूफ लोग हैं यार, गजब बेवकूफ लोग हैं। कौन सी रैंकिंग है भाई, मेरी रैंकिंग के हिसाब से तो सऊदी अरबिया नंबर वन पर है। कौन सी रैंकिंग है आपकी, किस संस्था ने रैंकिंग दी कि मुसलमानों में 129वें नंबर पर सऊदी अरब है? शर्म नहीं आती आपको? आप जिस देश में बैठे हैं कुर्सी पर उस देश में क्या शरिया लॉ है? सऊदी अरब में शरिया लॉ है, सऊदी अरब में चोरी करते हुए पकड़ेगा आपके हाथ काट दिए जाएंगे, सऊदी अरब में आप अपनी आंखों से किसी को छेड़ते हुए पाएंगे आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, सऊदी अरब में और कुछ करते पाएंगे आपको लटका दिया जाएगा, आपके यहां है? और आप अपने आप को बेहतर मुसलमान मानते हैं, इसीलिए सऊदी वाले आपसे अब नफरत करने लगे क्योंकि आप लोग इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फर्जी मुसलमान है, फेक मुसलमान है, ये लोग इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, आपकी वजह से वो बदनाम हो रहे हैं। छोड़ो अब इसके आगे बात ही नहीं कर, बाकी सारे सबूत मैंने दे दिए। ये आप लोगों की नीच मानसिकता दिख रही है। सिनेमा हॉल खुल गए, सिनेमा हॉल क्या पहले नहीं थे क्या सऊदी अरबिया में? सऊदी अरबिया में पहले सिनेमा हॉल नहीं थे? और सिनेमा हॉल की कहां मनाही है भाई, सिनेमा हॉल की मनाही कहां पर लिखी हुई है कि सिनेमा हॉल नहीं खुल सकते? कहां पर मनाही है? आपके मुल्लाओं की बनाई हुई चीज है, सिनेमा हॉल नहीं खुल सकते। और सऊदी अरब उनके बाप का है, आपके बाप का नहीं है। उनका जो मन करेगा वो सऊदी अरब में करेंगे। वो आएंगे पाकिस्तान से पूछने क्या, कह रहे पाकिस्तानियों आप तो बड़े अच्छे मुसलमान हो, हमसे अच्छे वाले मुसलमान, हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए? एमबीएस आपसे पूछ के करेगा? एमबीएस थूक देगा ना, थूक, उसको भी आप लोग चाटने लगेंगे। देखकर बड़ा मजा आता है एक्चुअली। पाकिस्तानियों की ना, जो पाकिस्तानी मुसलमान है उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तो अपनी पहचान खो चुके हो आप लोग, आप लोग साबित करते हो कि हम तुर्क हैं, मंगोल हैं, हम फला हैं, शेख हैं, तो सैयद हैं, तो धिमका हैं, तो ये हैं, तो वो हैं, और वो जो असली वाले हैं वो तुम्हें मुंह नहीं लगाते, बोलते हैं अरे चल हट दूर हट, निचले दर्जे के मुसलमान। आप लोग इससे गुस्सा हो कि जो हम अपनी जड़े थे वो काट भी आए और जिस जड़ को पकड़ने जा रहे हैं वो तो जड़ करी गया, भाई पास भी मत फटकना, इधर उधर ही रहो।
सिर्फ हवा हवाई बातें और कुछ नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताइए। जल्द ही मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,